यस दोस्तों, बात करते हैं डीएनएस वर्सेस एलर्जी। क्या डिफरेंस है डीएनएस और एलर्जी के सिम्टम्स में? दोस्तों, नोज के अंदर अमूमन दो प्रॉब्लम होती हैं जो अलग अलग भी होती हैं और साइमल्टेनियस भी होती हैं। कैसे उन दो प्रॉब्लम को हम अलग अलग पहचान सकते हैं? डीएनएस मतलब हमारे नाक के अंदर का जो सेप्टम है, जो बीच में पार्टीशन है, वो आइदर राइट साइड में डेविएटेड हो या लेफ्ट साइड में डेविएटेड हो, जिसको हम डीएनएस बोलते हैं। ये है डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। दूसरा दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस, दैट मींस हमारे नोज के जो अंदर की जो म्यूकोजा है, अंदर का जो कवरिंग है, उसके अंदर जो है किसी भी एलर्जेंस के कारण इन्फ्लामेशन का होना, सूजन का आना, दैट इज द राइनाइटिस, एंड वो एलर्जी के कारण होता है तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। बात दोस्तों, सवाल ये उठता है कि दोनों में क्या अलग अलग सिम्टम्स है। दोस्तों, अगर आपको डीएनएस है तो बेसिकली पेशेंट को जो मोस्ट प्रॉब्लम जो होती है वो होती है नेजल ब्लॉकेज की, एंड बहुत बार नाक के अंदर जो है डीएनएस के कारण जो है आपको नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है, एंड आपको आपके फेस के अंदर, आपके नोज के अंदर पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। ये हैं प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो डीएनएस के हैं। बहुत बार डीएनएस के कारण दोस्तों जो हमारा नोज है उसमें आउटर बाहर से विकृति भी दिख सकता है। वो विकृति ये हो सकती है कि नाक टेढ़ा हो सकता है, नाक एक तरफ डेविएटेड हो सकता है। बहुत बार अगर आपने देखा है तो अगर हम डीएनएस है तो हम ये जो पार्ट है ये एक तरफ निकला हुआ होता है, तो दोनों जो है नोस्ट्रिल जो है वो अनइक्वल हो सकते हैं। ये दोस्तों प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं डीएनएस के। अब एलर्जी अगर किसी पेशेंट्स को है तो दोस्तों एलर्जी के कारण क्या है कि नेजल ब्लॉकेज प्रोमिनेंट नहीं हो, कि नेजल डिस्चार्ज, कि आपके नोज के अंदर बार बार पानी का निकलना, नंबर दो, एंड जो नोज के अंदर जो फ्लूड और पानी निकलता है उसके साथ में इचिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, आपको बहुत सारी छींकें आएंगी, बहुत सारा जो है वो खांसी होगी, एंड नाक के पीछे जो है गले का टपकना, पानी का टपकना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। एंड नेजल ब्लॉकेज दोस्तों जब इसके अंदर एलर्जिक राइनाइटिस में स्टार्ट होता है तो दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, वो वेरिएट करेगा। दूसरी तरफ जो नेजल ब्लॉकेज डीएनएस के कारण था वो आपको वेरिएट नहीं करता, 24 घंटे उतना ही रहेगा, लेकिन जो एलर्जी के कारण जो आपकी कंप्लेंट होगी नेजल ब्लॉकेज की, वो दोस्तों ऐसा होगी कि पेशेंट कहेगा सुबह सुबह ब्लॉक रहता है, शाम को ठीक हो जाता है, या कभी नाक में दवा डाल लेता हूं तो आराम आ जाता है। क्योंकि दोस्तों वो जो म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन है एलर्जिक राइनाइटिस के कारण, जो अंदर सूजन आ गई उसके कारण ब्लॉकेज है, उसमें हम जब दवा डालते हैं तो जो अंदर की म्यूकोजा है वो श्रिंक हो जाती है, नैरो हो जाती है, उससे हमारे स्पेस बन जाता है, दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस। लेकिन अगर आपने डीएनएस में दवा भी डाली तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होता। एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर दोस्तों नोज से ब्लीडिंग बहुत कम होती है, रेयर टू रेयरेस्ट है, लेकिन साथ में अदर सिम्टम्स भी होते हैं जो हमारे आईज को भी अफेक्ट करते हैं, हमारे नोज के बाहर की जो सैप है उसको भी अफेक्ट करते हैं कई बार, क्योंकि सारे दिन भर एलर्जी का पेशेंट यूँ करता रहता है। हमारे तालवे में जो है इचिंग होती है, खुजली होती है, कान में खुजली होती है। सो दोस्तों ये जो सिम्टम्स हैं ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं एंड नेजल ब्लॉकेज के सिम्टम्स जैसे हमने डिस्कस किया। सो ब्रॉडली अगर मोटा मोटा हम देखते हैं तो नेजल ब्लॉकेज और नेजल डिस्चार्ज दोनों किसमें प्रोमिनेंट है, नेजल ब्लॉकेज प्रोमिनेंट होता है डीएनएस के अंदर एंड नेजल डिस्चार्ज प्रोमिनेंट होता है एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर। साथ के अंदर जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर, जैसे हमने देखा छींक का आना, खांसी का आना, एक बार छींक आई तो लगातार छींके आना, तालवे के पीछे खुजली चलना, आईज के अंदर खुजली चलना, कान में खुजली चलना, एंड डीएनएस के अंदर प्रसिस्टेंट नेजल ब्लॉकेज का होना, बहुत बार नोज से ब्लीडिंग होना एंड हेडेक या फेशियल पेन होना। सो देखा दोस्तों आपने, बिल्कुल हम इन सिम्टम्स से ये पहचान सकते हैं कि मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस है या मेरे को डीएनएस है, एंड आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल टू यू, कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एंड जाते जाते जो हमारा नया चैनल है नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर, उसको सब्सक्राइब कर
करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।